नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। जिंदगी भागदौड़ भरी है, घर से भले ही लेट निकलें लेकिन सड़क पर सबको जल्दी है। मंजिल पर राइट टाइम पर पहुंचना है, फिर भी चाहे राइंग साइड ही क्यों ना चलना पड़े, गलत दिशा में ही क्यों ना चलना पड़े। गाजियाबाद में यही हुआ, एक ट्रक फिर से रॉन्ग साइड पर दौड़ा, 4 किलोमीटर तक दौड़ा। शहर शहर ऐसे कितने ही ड्राइवर हैं जो रोज दूसरों की जिंदगी घटाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। सिग्नेचर स्टोरी में आज ऑल इंडिया रॉन्ग साइड की रिपोर्ट पेश करेंगे। आज पब्लिक इंटरेस्ट में मेडिकल साइंस की दुनिया में दो बड़ी खबरें आई हैं। किडनी मरीजों को शायद डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, आर्टिफिशियल किडनी का टेस्ट हुआ है। दूसरी खबर क्या है, कैंसर के इलाज का वो टीका आ गया है जो 1 घंटे का काम 7 मिनट में करेगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसके तथ्य और सत्य की पूरी पड़ताल करेंगे। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हर सरकार का बड़ा चुनावी एजेंडा होता है। बिहार में भी स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों ने पढ़ना चालू किया तो वो नाचने लगे। पढ़ाई की खुशी में नहीं, एलईडी स्क्रीन पर बजे भोजपुरी गाने की धुन सुनकर आज एक्सक्लूसिव में बिहार के स्कूली सिस्टम पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र किसने बांधा? जम्मू कश्मीर से राखी की बेहद भावुक तस्वीरें। बी पॉजिटिव में फौजी भाइयों की इन बहनों से मिलवाएंगे। आज हमने एक ऐसी पड़ताल शुरू की है जो आप सबका दर्द है, यानी रॉन्ग साइड चलने वाले लोगों की पड़ताल। आखिरकार कौन लोग हैं जो रॉन्ग साइड चल रहे हैं? और आज राखी का त्यौहार भी था, सब बहनें अपने भाइयों की लंबी दुआ की कामना करते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो बहनों की दुआ को नज़र लगाने का काम करते हैं, वो भी सरेराह खुली सड़क पर। आज उनकी क्लास लेनी है भाइयों की, इसलिए आप ध्यान से ये रिपोर्ट देखते रहिएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक वाले भाई उल्टी दिशा में ट्रक दौड़ाने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको 4 किलोमीटर आगे जाना पड़ना था टर्न लेने के लिए। इस 4 किलोमीटर से बचने के चक्कर में वो 4 किलोमीटर उल्टी दिशा में दौड़ा, उल्टी दिशा में चला और तब तक चलता रहा जब तक पुलिस ने उसे पकड़ नहीं लिया। सैकड़ों गाड़ियां उसकी चपेट में आने से बची। ये सुनकर आप सन रह जाएंगे कि ये एक्सप्रेस वे का वही हिस्सा था जहां 1.5 महीना पहले रॉन्ग साइड पर दौड़ी एक स्कूल बस ने एक ही परिवार के 6 लोगों को कुचल डाला था। पिछले महीने की एक वीडियो क्लिप आपको भी याद होगी, 11 जुलाई की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ था। स्कूल बस रॉन्ग साइड से आ रही थी, 6 किलोमीटर तक उल्टी तरफ दौड़ती रही। सामने से कार आई, जोरदार टक्कर हुई और कार में सवार 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। गनीमत थी कि स्कूल बस खाली थी। अब करीब 50 दिन बाद जगह वही, इलाका वही, एक्सप्रेस वे भी वही और रॉन्ग साइड आने वाला सिस्टम भी वही। बस फर्क एक था, स्कूल बस की जगह ट्रक रॉन्ग साइड दौड़ रहा था। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया। दरअसल गाजियाबाद से मेरठ एक्सप्रेस वे पर सिलेंडर से भरा ट्रक रॉन्ग साइड पर आया। कम से कम 4 किलोमीटर तक ड्राइवर ने ट्रक को रॉन्ग साइड चलाया। ड्राइवर को नोएडा की तरफ मुड़ना था लेकिन कट मिस हो गया, आगे निकल गया लेकिन जब रास्ते से भटका तो रॉन्ग साइड पर ही ट्रक को मोड़ लिया। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि जिस वक्त ट्रक रॉन्ग साइड टर्न लेकर रॉन्ग साइड पर चला तब दूसरे वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपको एक तस्वीर यह दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों की स्पीड है वह गाड़ियों की स्पीड कितनी तेज है। अगर यहाँ पर कोई अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड लेकर आएगा तो कितना बड़ा, कितना भीषण हादसा हो सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक 4 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड दौड़ता रहा और जिसके बाद जब गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को उसकी सूचना मिली तो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। गनीमत इस बात की रही
कि रॉन्ग साइड वाला ट्रक ट्रैफिक पुलिस की नजर में आ गया। कंट्रोल रूम को इतला मिली, पुलिस ने रास्ते में ही इसे रोक लिया। यही खड़ा रहा किसे? अरे रुक जा यार, तू पहले वीडियो बना। मत आगे गाड़ी आ गई। आप क्यों मुड़े? वापिस क्यों मुड़े? कहाँ से मुड़े हो आप? यहीं से मुड़ा था मैं। कहाँ से? शनिदेव मंदिर से ना। जहाँ से मुड़े हो वहीं से बताओ। मंदिर से ना जी। हाँ ये तो विजयनगर। कहाँ से मुड़े हो? विजयनगर से पहले। वापस क्यों आए? आगे चले जाते आप तो आगे से आते हैं। एक बात और गौर करने वाली है, रॉन्ग साइड वाला ये ट्रक खाली नहीं था, इसमें सिलेंडर लदे हुए थे। अभी हाल ही में ट्रेन के डिब्बे में सिलेंडर के फट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। सोचिए, अगर किसी गाड़ी से आमने सामने टक्कर हो जाती तो कितना भयानक रूप ले सकता था। एक LPG लदा हुआ एक ट्रक जो दिल्ली की तरफ जा रहा था, वापस रॉन्ग साइड आ रहा है। फिर उसको ट्रैफिक पुलिस जो हमारी ABS एग्जिट पर लगी हुई थी, उसने उसको ट्रक को पकड़ा और पकड़ के फिर उसमें चलान की कार्रवाई की गई है। उस ड्राइवर से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं मेरठ से आ रहा था और हमको जाना था नोएडा, और ABS एग्जिट पर उसको बाहर होना था लेकिन वह बाहर नहीं हो पाया, वो सीधे निकल गया। जब उसको पता चला कि वो आगे निकल गया, फिर वही बैक करके वापस आ रहा था, और ABS एग्जिट पर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस थी उस तत्काल उस ट्रक को रोक करके चलान की कार्रवाई की गई है। चूंकि एसेंशियल सर्विसेज वाला ट्रक था इसलिए चालान काट कर जाने दिया, लेकिन सवाल सिर्फ एक ट्रक या बस के रॉन्ग साइड जाने का नहीं है, सवाल रोड सेफ्टी का है, रोड रूल्स फॉलो करने को लेकर है। ये तो लोगों की लापरवाही है, हम लोग इस पर बहुत प्रयास भी कर रहे हैं और इस पर काफ़ी एनफोर्समेंट का कार्रवाई भी हो रहा है, फिर भी लोग अपनी आदत से सुधर नहीं रहे हैं। और इस पर हम लोगों ने अलग अलग और भी NHIS का करके साइनेज लगाने के लिए कहा है, और बाकी पुलिस भी इस पर पेट्रोलिंग भी की रहे हम लोग कर रहे हैं, और एग्जिट एंट्री पर ड्यूटी भी लगाए हुए हैं, फिर भी लोग बीच रास्ते से जब उनको एहसास होता है कि हम आगे कर लें तो फिर यू टर्न लेने लगते हैं, बैक होने लगते हैं, जबकि आगे भी एग्जिट है। ऐसे में लोगों को थोड़ी अपनी जान की भी परवाह करनी है। सही कहा ADCP साहब, पुलिस नाके और चेक पोस्ट लगा सकती है, स्पेशल चेकिंग ड्राइव भी वक्त वक्त पर करती ही है, लेकिन हर मोड़ पर मौजूद रहे ये संभव नहीं। इस बीच सड़कें बेहतर हुई हैं, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी है, और खास तौर पर डेडिकेटेड लेंस वाले ट्रैफिक में जब भी कोई नियम तोड़ता है हादसे खौफनाक होते हैं। ये छोटी बात नहीं है, जिस तरह से ये ड्राइवर चलते हैं ये लगातार हादसों को न्योता देते हैं, और अगर इनको ना सुधारा गया तो बड़े नुकसान होने से नहीं बचेंगे। गाजियाबाद में दुर्घटना टल गई, सड़क पर कई लोग बाल बाल बचे, लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी में इंदौर रायपुर हाईवे पर एक जानलेवा हादसा आज ही हो गया, वो भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से। एक प्राइवेट बस भोपाल से मंडला जा रही थी, दूसरी तरफ पिकअप वैन आ रही थी। चश्मदीद क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि पिकअप वैन जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही थी और जो बस थी वो नीचे की तरफ जा रही थी, तभी एक मोड़ आया और बस ड्राइवर ने रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला दी। जैसे होता ना कई बार राइट की बजाय लेफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट की बजाय राइट, उस तरह से कर दिया। बस की स्पीड तेज थी इसीलिए वक्त पर ब्रेक नहीं लगे, जोरदार टक्कर हुई, बस पिकअप वैन को खींचकर काफी दूर तक ले गई। सड़क के दूसरे किनारे तक जब वो वैन पहुंच गई, जब देखा लोगों ने, जो चश्मदीद थे उन्होंने गए वहां पर देखा, तो वैन में मौजूद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, बस में सवार कुछ सवारियों को भी चोट आई। मैं फिर कहता हूं, सड़क पर सलीके से चलेंगे कई जिंदगियां बचाएंगे, जल्दबाजी किस बात की करते हो? क्यों जल्दबाजी करनी है? क्यों जाना है रॉन्ग साइड? और क्या ये सिर्फ 1-2 शहरों की प्रॉब्लम है? ना, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कई शहरों में निकल गए आज, क्योंकि ये जरूरी था। ऑल इंडिया रॉन्ग साइड वालों की आज सारी रिपोर्ट इकट्ठा करनी थी, रिपोर्टरों को हमने सड़कों पर उतारा, हाईवे पर उतारा। अब देखिए आप कि वहां पर क्या हुआ। गाजियाबाद से आगे मेरठ आता है, पहली ग्राउंड रिपोर्ट हमने कहा कि वहीं से आनी चाहिए, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कंकरखेड़ा इलाके में हमारे रिपोर्टर सनुज शर्मा, जो ऐसे लोगों को देखने के लिए पहुंचे थे जो यू टर्न लेने की बजाय डिवाइडर को ही क्रॉस कर रहे थे, बाइक स्कूटी मतलब छोटे छोटे वाहन भी होते हैं ना, डिवाइडर पर चढ़ा देते हैं, इतना ऊंचा डिवाइडर होता है, ऊपर से आप भी रोज देखते होंगे कहीं ना कहीं कि उधर से फांद कर निकल जाएं। एक शख्स ने तो अपनी पत्नी और छोटे बच्चे की जिंदगी तक दांव पे लगा दी। रिपोर्टर ने जब पूछा
कि जानबूझकर जान जोखिम में क्यों डालते हो, क्यों मौत को दावत देते हो। इन लोगों की बातें सुनेंगे ना आप तो अपना भी माथा पकड़ लेंगे। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं। गाड़ियाँ नेशनल हाईवे से आ जा रही हैं और बीच में डिवाइडर को पार करते हुए यहाँ जा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? लगता है, पर यहाँ पे हाईवे क्रॉस करने की जगह नहीं है, बताऊँ। नहीं है तो आगे से यू टर्न है, वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ कहाँ से आगे जो यू टर्न है, आगे कहाँ है? मैं पता नहीं है भाई, बाहर से आए। आप बाहर से आए हो तो आपको लगा इतनी वाहन जा रहे हैं, जरा से में कुछ हो गया, कितने हादसे हो रहे हैं आपको नहीं पता? बहन जी बच्चा भी है साथ में? नहीं पता तो है, लेकिन पार तो होना पड़ेगा। हम आगे की पता नहीं है कि आगे भी पार हो सकते हैं। बहाना बना रहे हैं कि यहाँ के नहीं हैं और यहाँ उन्हें रास्ते नहीं पता। आप देखिए एक और बाइक, देखिए एक और स्कूटी सवार हैं, ये भी देखिए, ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। देखिए किस तरीके से वाहनों के बीच से होकर, और ये देखिए डिवाइडर पार करा, तोड़ा, और ये देखिए गाड़ी आ रही है, टकरा सकते हैं। वो गाड़ी चालक भी नाराज़गी जता के यहाँ पर गया है। देखिए एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। क्यों भैया नियम तोड़ रहे हो? आपको नहीं जरा सी लापरवाही भारी पड़ जाएगी? सॉरी भाई साहब, काम नंबर तोड़ नहीं, नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप तो सही नहीं कर रहे ना बच्चे हाईलाइट कर रहे। नहीं हाईलाइट तो भाई ये है ना कि है तो गलत। सॉरी मेरे भाई, आप इधर को ले आने। देखिए सॉरी बोल के चले गए हैं और कह रहे हैं कि भाई सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन आप देखिए कि इसी तरीके से यहाँ पर हर रोज़ कंकरखेड़ा का ये इलाका है, ना जाने कितने हादसे यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन लोग इस कदर लापरवाह हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। रिपोर्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। जहां से आपको जाना है वहां की बजाय आप सड़कों को कूदते फांदते शॉर्टकट से जा रहे हैं। सब जानते हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग का नतीजा जानलेवा है। गलती किसकी है? जाहिर है उनकी जो नियम तोड़ते हैं और दूसरों की जिंदगी से भी खेलते हैं। थोड़ा सा तेल और वक्त बचाने के लिए आप इतना बड़ा जोखिम ले लेते हैं? सवाल जिंदगी का है। हमारे रिपोर्टर मनीष शर्मा जयपुर पहुंचे। यहां लोगों को कायदे कानून की परवाह है या नहीं आप ही देख लो। उल्टे क्यों आ रहे हैं हाईवे पे? वो एक्चुअली क्या प्यास लग रही थी तो इधर पानी के लिए आए थे। पर आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, लोग उल्टे आते हैं तो आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली क्या मैंने गाड़ी नीचे उतार ली थी, मैंने पीछे देख के और थोड़ा सा वो बिल्कुल। आपका नाम बता? शंकर लाल मीणा। शंकर लाल ना, तो आपने हेलमेट पहना और हाईवे पे उल्टी साइड से आ रहे हो, वो क्या पेट्रोल लेना है तो उल्टी साइड आओगे? वो क्या उधर से कट नहीं था, जहाँ से मेरा मकान है वहाँ से कट नहीं था, तो मैं सीधा हाईवे से आते ना सीधा, तो उधर आगे से आना पड़ता है 500 मीटर आगे। जान से कीमती है। हाँ गलती हो गया साहब, गलती हो गई ना। आप नहीं आओगे ना? नहीं है। हेलमेट ये बताओ, उल्टे आ रहे हो, हेलमेट भी नहीं है, हाईवे पे उल्टे चल रहे हो। हाँ जी सर, ये हमारा घर है यहाँ पे, यहाँ पे घर है, इसलिए आ रहा हूँ, बाजार में सामान लेने आया था। तो लेकिन जान से कीमती थोड़ी है, तुम शॉर्टकट ले रहे हो। जी सर यहाँ पे ये ना ये घुमाओ इसलिए आ गए, तो यहाँ दुकान पे जाना था इसलिए। अपनी भी जान जोखिम में, बच्चों को भी ले रखा है। वो तो बात है ना, यहीं पे आ रहा हूँ यहाँ से बस यहाँ। लेकिन सामने से कोई वाहन आ जाए? नहीं मैं तो बिल्कुल साइड में चल रहा हूँ। वो तो उल्टी साइड रोड के ऊपर हो ही नहीं, मैं तो बिल्कुल कच्चे में चल रहा हूँ। उल्टी साइड तो हो, ये सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड कहाँ दिख रही है आपको? जी कच्चा है पूरा, सर्विस ही है और क्या है। आप उल्टे हो, आप मानोगे? नहीं मान रहे, मानने में तो सुना लोग कैसे कैसे बहाने गिनाते हैं रॉन्ग साइड चलने के लिए, सिर्फ रॉन्ग साइड चलने के लिए। लेकिन यही छोटी सी भूल बड़े हादसे की वजह बनती है। ऐसी ही गलतियां जानलेवा होती हैं, लोगों की जिंदगी पर भारी भी पड़ जाती हैं। रॉन्ग साइड चलने वालों की पड़ताल तो हमने यूपी के इटावा में भी की, वहां एक नई चीज पता चली। वहां क्या पता चला? वहां पता चला कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग को ही वो लोग राइट साइड मानते हैं। गजब है। आप ये देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे 19 है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है और उसी के बगल से ये लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर को जोड़ने वाला हाईवे है जो यहाँ से 62 नेशनल हाईवे को जोड़ता है। ये बाईपास है और जिस तरह से आप देख रहे हैं रॉन्ग साइड पे ये ट्रक आ रहा है, आप उसके पीछे की भी मैं तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि पीछे एक सवारी ऑटो आ रहा है। लगातार इस तरह देखिए, जिस तरह का त्यौहार का समय है और लगातार फैमिलीज, परिवार के लोग और लोग जो यात्री हैं वो लगातार इस तरह से वाहन प्रयोग कर रहे हैं और सारे के सारे लोग रॉन्ग वे से आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 19 ये राइट में है और उसके बगल में लगा हुआ ये ग्वालियर बाईपास है जो हमारे बाईं तरफ ये ग्वालियर की तरफ रास्ता जा रहा है।
और इस बाईपास पर आने के लिए लोग उल्टा रास्ता ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं, स्कॉर्पियो आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। पुलिस ने एक बोर्ड साइन बोर्ड जरूर लगा है कि सावधानी हटी लेकिन और दुर्घटना घटी, लेकिन लोग बाकायदा रॉन्ग वे से निकल रहे हैं। कई लोगों का बस चले ना, वो तो ये भी कह दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले तो उनके हिसाब से जगह जगह कट रखें ताकि उनको घर से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इनको कोई परवाह नहीं, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन फिर भी लोग ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, जानबूझकर तोड़ते हैं, सरेआम तोड़ते हैं। जब नियम टूटते हैं तो सड़क पर सांसों की डोर भी टूटती है। रोड एक्सीडेंट के कारण आपको पता है देश में कितने लोग जान गंवाते हैं? नहीं पता होगा तो ये लगना जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए। 2017 में देखिए 147,913 लोगों ने जान गंवाई है, थोड़ा आंकड़ा नहीं होता ये, 1.5 लाख के आसपास है। 18 में आ जाइए, 1.5 लाख पार हो गया, 151,417। 19 आ जाइए, 151,113, ये सब जितने लोगों की जान गई है पूरा डेटा है ये। 20 में देखिए 131,714 और 21 में 553,972। अच्छा ये खास बात है, ये तब लोगों की इतनी जान गई है, थोड़ा सा आंकड़ा कम हुआ, कोरोना का दौर था इसलिए आपने समझा होगा। 21 में देख लीजिए फिर वही 1.5 लाख पार, और 5 साल में 736,129 जाने गई हैं, ये थोड़ा आंकड़ा नहीं है। अच्छा कितने हादसे हुए ये तमाम चीज़ें आपने देख ली, अब 21 में हादसे कितने हुए ये देख लीजिए। 2021 में कुल एक्सीडेंट हुए 412,432, और ये रोजाना अगर हम एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएं इन हादसों में तो 1130 सालाना और रोजाना, ये दोनों हमने ये तय किया है। हर घंटे देख लीजिए इसमें 47 हादसे होते हैं, 47 थोड़े नहीं होते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। और हर मिनट ये दो, हर मिनट से लेकर घंटे से लेकर रोजाना से लेकर साल के सारे हादसे आपने बता दिए। अब जब कभी भी आप सड़क रॉन्ग साइड क्रॉस करेंगे या जाने की कोशिश करेंगे ना, इन आंकड़ों को अपने दिमाग में और मेरी बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि रॉन्ग साइड कितनी जानलेवा है, इस पर गौर कीजिए। गौर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपकी नहीं किसी के और परिवार का चिराग भी बुझता है। 2020 में 3,099 लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से जान गंवाई, ये देख लीजिए उसका खाका भी हमने पूरा खींचा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग कितनी जाने गई, 20 में 3,099, 21 में 2823 यानी टोटल जाने गई। और ये सब आंकड़े हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आगे से जब भी आप कूदने फांदने लगे, मैं तो बच्चों से कहूँगा पिता माता कोई भी रॉन्ग साइड जाने लगे रोक दिया कीजिए, आप ब्रेक लगाया कीजिए, उनको टोकना शुरू किए। आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि इन पर लगाम लग सकती है, हादसों को रोका जा सकता है बशर्ते लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कानून का डर हो उनको और सड़क पर चलने का संयम भी अपने मन में रखें। अब ज्ञान सब दे देते हैं, आप कह रहे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इन नियमों को तोड़ते हैं, इनको फॉलो करने वाले भी होंगे, ज़रूर होंगे। पंजाब के मोहाली से हमारे रिपोर्टर सचिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, आखिर में सीखने वाली तस्वीरें उनको मिली, आप भी देख लीजिए आपके भी काम ज़रूर आएंगे। चंडीगढ़ का ये ट्रिब्यून चौक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तमाम व्हीकल जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, जब उनके जाने का टाइम होता है, चलने का टाइम होता है, ग्रीन सिग्नल का टाइम होता है। और ये पूरे चंडीगढ़ शहर में है क्योंकि चंडीगढ़ में यातायात के जो नियम हैं, ट्रैफिक जो रूल्स हैं, उनको फॉलो बड़ी सख्ती से करवाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी जो है दरअसल इस लाइन से जो है आगे जो है चली गई थी, अब इस गाड़ी को जो है ड्राइवर ने जो है चालक ने जो है पीछे कर दिया है, क्योंकि अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है चालक जो है तो जो चालान है वो इनको चला जाएगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे अगर कोई व्हीकल खड़ा होता है जब रेड लाइट होती है तो उसको भी वो हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं और चालान जो है ऑटोमेटिकली जो ई चालान है इलेक्ट्रिकली जो जनरेट होता है चालान वो जो है उस चालक के घर चला जाता है। चंडीगढ़ में जो भी जाता है ना तो चंडीगढ़ पुलिस से उसके पसीने छूटते हैं, पता होता है कि एक भी रेड लाइट से आगे पीछे जेब्रा लाइन भी क्रॉस की ना
तो हालत ख़राब कर देंगे। चलान चाहे जितनी मर्जी सिफारिश लगा लो, चलान काट के हाथ में पकड़ा देते हैं, वहीं भुगतने जाना पड़ता है। इसी तरह की सख्ती होनी चाहिए। अब एक बात आप और समझ लीजिए, रॉन्ग साइड चलना, ओवर स्पीडिंग, बिना इंडिकेटर दिए अचानक लेन बदल लेना, चेंज कर लेना, कहीं भी हाथ दिया नहीं मुड़ जाना, ये सब किसी एक शहर एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। सड़क पर चलने का तरीका क्या है, सड़क पर चलने का सलीका क्या है, समझना होगा ना आपको ये सब। अगर नहीं समझे, नियमों का पालन नहीं किया, तो फिर हादसों को न्योता देते रहेंगे। हमारा देश सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में वैसे ही नंबर वन है। दुनिया भर में सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं ना, उसका 11% इंडिया में जाने जाती हैं। ऐसा नंबर वन बनना किसी काम का नहीं है, समझ आ रहा है ना आपको। वक्त है, संभल जाइए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल कीजिए, दूसरों के परिवार का ख्याल कीजिए जिनको आप आफत में डाल देते हैं अपनी जल्दबाजी या गलती की वजह से, और उन बच्चों का और उन परिवार का ख्याल जब भी रॉन्ग साइड जाएं, जब भी गलत काम करें, ज़रूर रखिए जिन्हें आप घर से निकलते वक्त बाय बाय बोलते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हादसों में जान नहीं गंवानी। स्कूल से निकल कर चलते हैं आपकी सेहत की तरफ। मेडिकल साइंस की दुनिया से दो खबरें आई हैं। एक तो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल किडनी बनाकर जानवरों पर सफल प्रयोग करने की घोषणा की है। इससे उन मरीजों को मदद मिलेगी जो किडनी डोनर के इंतजार में अपनी जान से चले जाते हैं। दूसरा इनोवेशन कैंसर की एक दवा का है, जिसे अभी तक ड्रिप से देने में घंटा भर लगता था, अब वह दवाई इंजेक्शन की शक्ल में सिर्फ 7 मिनट में दी जा सकेगी। कृत्रिम गुर्दा बनाकर अमेरिका के दो डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस को अपने एक प्रयोग से चौंका दिया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बायो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट डॉक्टर शुवो राय और उनके साथी डॉक्टर विलियम फिजेल ने किडनी ट्रांसप्लांट में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर रॉय बांग्लादेशी मूल के हैं। इन दोनों ने बायो रिएक्टर नाम की आर्टिफिशियल किडनी बनाई, उसे सुअर में ट्रांसप्लांट किया और इस बायोग्राफी रिएक्टर ने असली किडनी की तरह काम किया। दोनों डॉक्टर्स का ये किडनी प्रोजेक्ट 1998 में लॉन्च हुआ था, कामयाबी अब मिली है। जानवर में बायोरिएक्टर का पॉजिटिव रिस्पांस देखकर डॉक्टरों को उम्मीद है कि ये आविष्कार दुनिया में बहुत सारे किडनी मरीजों को जीवन देने और बढ़ाने का काम करेगा। किडनी का फंक्शन है जिससे नए हार्मोन्स बनाना या बहुत तरह की जो फिल्ट्रेशन का वर्क है वो ये सेल कर पाएगा, तो समझिए कि एक बहुत अच्छी खबर है। थे अभी बड़े ट्रायल्स और सेल्स के नंबर्स बढ़ा के, जैसे मैंने कहा आपको कि 1 बिलियन सेल्स जो है वो अगर होंगे तो उसके बाद किडनी का फंक्शन और भी स्ट्रांग होगा और ये बिल्कुल एक तरह से समझिए कि आपके किडनी की तरह काम करेगी। भारत में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पिछले साल 40,000 लोगों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन सिर्फ 11,705 लोग ही ट्रांसप्लांट प्रोसेस से गुजर पाए। किडनी ट्रांसप्लांट की रिसर्च में अभी कई चरण बाकी हैं, लेकिन उम्मीद दिखने लगी है। अमेरिका खुद किडनी फेल ट्रीटमेंट पर सालाना $32 बिलियन खर्च करता है। इसके बावजूद हर साल करीब 70,000 किडनी मरीजों को वहां डोनर ही नहीं मिल पाते। भारत की आबादी अमेरिका से 3 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए यहां किडनी डोनर्स की कितनी किल्लत है। दुनिया को और विज्ञान को इंतजार है उस पल का जब ये बायो रिएक्टर इंसान में असली किडनी की तरह फंक्शन करेगा। कैंसर के इलाज में हो रहे विकास को लेकर खबर बड़ी है। अब एक नया इंजेक्शन आया है जिसे लगाने में तो 7 मिनट लगेंगे, पर उसका असर पहले की दवाओं से कहीं ज्यादा है और उपचार का वक्त भी कम हो जाएगा। इस दवा का विकास ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य सेवा यानी नेशनल हेल्थ सर्विस ने किया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि जो इंजेक्शन उन्होंने तैयार किया है उससे मरीजों का समय बचेगा और कीमोथेरेपी वार्ड में भीड़ कम हो सकेगी। टीसेंट्रिक नाम की ये दवा फेफड़े, स्तन, लीवर और ब्लैडर के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इंग्लैंड में करीब 3600 मरीजों को हर साल ये दवा दी जाती है। कैंसर के इलाज में एटेजोलिजिमाब नाम के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में ये दवा टीसेंट्रिक नाम से मिलता है, जो कैंसर पीड़ित मरीज की नसों में
ड्रिप के माध्यम से दी जाती है। इस प्रक्रिया में 30 मिनट से एक घंटे तक का समय लगता है, लेकिन NHS ब्रिटेन ने जो इंजेक्शन तैयार किया है उससे उपचार में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। जैसे ब्रिटेन का अगर हम डेटा देखें तो उन्होंने एक साल में करीब 3,000 से 4,000 पेशेंट्स को ये देना होता है। अब कोई पेशेंट वहाँ जाएगा तो उनको 2 घंटे ना रुक के सिर्फ 15 मिनट रुकना पड़ेगा, तो आप उस 2 घंटे में 8 पेशेंट्स कर सकते हैं जो कि आप पहले एक ही कर पाते थे। अब बस ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय से इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने का इंतजार है। अगर हम देते हैं तो आपका रिकरेंस रेट कम हो जाता है, वो भी कुछ खास कैंसर्स का, कुछ लिवर कैंसर्स का भी इसमें हेल्प होती है। तो उसका उन्होंने सिर्फ एक मेथड ऑफ डिलीवरी ही चेंज किया है, तो वो डिलीवरी चेंज तो आई थिंक इंडिया में तो रिसर्च का कोई ऐसा इशू ही नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत आराम से बनाया जा सकता। लगे हाथ भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों पर एक नजर डाल लीजिए। देश में कैंसर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा भी हर साल बढ़ा है। भारत में पुरुषों में सबसे ज्यादा कॉमन मुंह और फेफड़े का कैंसर है, जबकि ब्रेस्ट और गर्भाशय का कैंसर महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। हालांकि ये भी एक सच है कि अब कैंसर के साथ जीने वालों की संख्या उन लोगों से बहुत ज्यादा है जिन्हें बचाया नहीं जा सका। इसकी वजह भी मेडिकल साइंस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लाई गई मजबूती है। सर्वे और आंकड़े बताते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो कम से कम खर्च आता है वो एक आम भारतीय की सालाना आय से दुगना है। एक कैंसर पीड़ित सदस्य का इलाज कराने में 45% परिवार कर्ज में आ जाते हैं। 25% परिवार कैंसर का इलाज कराते कराते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कई तो ऐसे हैं जो जानते हैं कि उन्हें कैंसर है, बावजूद इसके वो इलाज नहीं करा पाते। कैंसर के खिलाफ हमारी जंग बहुत कमजोर है। प्रॉपर इलाज कराना कहना काफी आसान है, वो काफी कॉस्टली होता है। कहीं पर आपकी नौकरी चली जाती है, आप काम करने के लायक नहीं होता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, जमीनें बिक जाती है। मैंने भी अपनी जमीनें बेची, तो वैसे भी टूटता है आदमी। कैंसर, हर कैंसर से मौत नहीं होती, लेकिन ये सफर जो है ना बहुत कठिन है। मेडिकल साइंस में तरक्की और इनोवेशन एक बात है, भारत जैसे देश के लिए जरूरी ये भी है कि हम किस तेजी से यहाँ के मरीजों तक ये इनोवेशन पहुँचा सकते हैं। उम्मीद तो जागती है और रास्ते भी ऐसे ही निकलते हैं। कैंसर हो या किडनी की बीमारी, ये वो रोग हैं जो सिर्फ इंसान को ही नहीं पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। बीमार एक होता है खामियाजा, सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए जानलेवा बीमारियों पर जब रिसर्च होती है तो इसे आगे आकर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सरकार से मेरी भी गुजारिश है कि अपने देश में भी रिसर्च पर खर्च बढ़ाया जाए। अभी GDP का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च पर खर्च होता है। कोरोना काल याद है ना, अगर कोवैक्सीन जैसी स्वदेशी वैक्सीन बना सकते हैं हम लोग, तो कैंसर को हराने के लिए कोई कसर हमें नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज सुनी है आज आपसे, इसको विस्तार से बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ जहां सबसे बड़ा परचम उठाया जा रहा है वो है दुनिया के सबसे बड़ी ड्रामावाद जगह का। ड्रामेबाज जगह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हॉलीवुड है। वहाँ से स्क्रिप्ट राइटर, आर्टिस्ट, एक्टर सब एक होकर नारे लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस लेटेस्ट शिगुफे को लेकर वो परेशान हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि इसके कारण उनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है। क्या भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोजगार पर तलवार लटक रही है? हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर खड़े ये लोग हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। इनमें एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डबिंग आर्टिस्ट सब शामिल हैं। सबकी टेंशन की वजह एक ही है, यानी AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इन सबके काम और नौकरियों पर खतरा बनकर मंडरा रही है। सबसे ज्यादा खतरा कहानी लिखने वालों और डबिंग आर्टिस्ट के काम पर है। इसलिए हॉलीवुड में AI की मुखालफत थमने का नाम नहीं ले रही। 2 मई से हॉलीवुड के लोग सड़कों पर उतरे हैं। हड़ताल में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका शामिल हैं।
निशाने पर है अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स। लेकिन एआई को लेकर ये डर है क्यों? क्योंकि एआई खुद नई कहानी लिख सकता है, जैसी कि आप चाहें वैसी। एआई कहानी में ट्विस्ट ला सकता है, यानी स्क्रिप्ट राइटर का काम खत्म। एआई किसी भी आवाज सैंपल में हूबहू आवाज भी तैयार कर सकता है, मतलब डबिंग आर्टिस्ट का भी काम खत्म। किसी भी एक्टर का किरदार तैयार कर सकता है, अगर वो जिंदा नहीं है तब भी ये मुमकिन है, यानी एक्टिंग पर भी एआई का खतरा। हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ये और ज्यादा इम्पोर्टेंस गेन करता रहेगा। इसलिए अगर आप साइप करना चाहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी तो आ गई है लेकिन आप हमारे सेक्टर में इस्तेमाल ना करिए ताकि हमारी नौकरियां बरकरार रहें, तो ये गलत अप्रोच है, होने नहीं वाला। एआई के तीन बड़े खतरे हैं। पहला, नौकरियों का संकट। दूसरा, एआई का गलत इस्तेमाल। तीसरा, एआई की डेटा कलेक्शन की तेजी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे के मुताबिक भारत में एआई से 74% लोगों की नौकरी जाने का डर है, जबकि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक एआई से दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। इसी खतरे को हॉलीवुड ने पहले ही भांप लिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निशाने पर सबसे पहले क्रिएटिव जॉब ही आने का डर है। इस बार रक्षाबंधन 2 दिन का है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तब दूसरा मुहूर्त शुरू हो चुका है। खुशी का मौका है, सरहद पर भी त्योहार की खुमारी शाही है। देश की रक्षा के लिए हमारे जवान सरहदों पर मौजूद हैं। इसी जज्बे को सलाम करने स्कूली बच्चों से लेकर गांव की माताएं बहनें हाथ में राखी और आरती की थाल लेकर सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंची। सांभा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया, टीका लगाया, मिठाई खिलाई, प्रणाम किया और जवानों ने भी आशीर्वाद दिया। मैंने ये राखी अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए बनाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उधमपुर में सुरक्षा का मोर्चा सीआरपीएफ के जवानों के पास भी है। कई अंदरूनी इलाकों में उनकी तैनाती है, लेकिन यहाँ भी परिवार से मिलना आसान नहीं, इसीलिए स्कूल के बच्चे आए, जवानों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और भाइयों ने भी देश के साथ बहनों की हिफाजत का प्रण लिया। हम सभी अपने घर से दूर हैं, सभी कोई अपनी बहनों को सभी मिस कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर से दूर हैं। सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। अखनूर सेक्टर में भी बहनों ने सीमा की रक्षा कर रहे जवानों को राखी बांधी। वहीं उरी सेक्टर के चुरंदा गांव में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भी स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया। राखी के बाद अब बारी है आपके कमेंट्स की। कल हमने सिलेंडर में सब्सिडी, इथेनॉल कार और मुंबई गोवा हाईवे पर खबर दिखाई थी, कई कमेंट्स आए हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ऋषभ मिश्रा जी क्या लिखते हैं, 2014 और 2019 वाली स्थिति को दोहराकर बीजेपी 2024 में भी हैट्रिक बनाने में सफल हो सकती है, क्योंकि फ्री राशन बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऋषभ जी की सोच देखिए, फ्री की चीज़ पे अटक गई है जाके। नागेश्वर राव जो है, मुफ्त योजनाओं के झूठे प्रचार, ये नागेश्वर राव जी कहते हैं, कमेंट किया है उन्होंने, तगड़ा झूठा प्रचार हो रहा है कह रहे हैं। संजीव जैन जी आ गए, ये क्या कहते हैं, जोगिंदर पटेल, क्लैरिटी गिवन ऑन एलपीजी प्राइस पॉलिटिक्स रियली कमेंडेबल, इफ सच प्रेस कवरेज इज देयर पीपल विल रियलाइज द स्ट्रेटजी ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी। संजीव जैन जी, बढ़िया सोच है आपकी। दीपक गुप्ता जी क्या लिखते हैं, मस्ट अप्लाउड योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन दिस शो, कीप गोइंग। थैंक यू दीपक जी। ये तमाम पब्लिक इंटरेस्ट में हमें इस तरह के कमेंट आप भेजते रहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। खबरें कैसी लगी, फीडबैक आपने देते रहना है और मैं ऐसे दिखाता रहूंगा। ब्रेक के बाद कौन आएगा, अखिलेश आनंद, घंटी बजाओ में। एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी खबरों का सिलसिला जारी है और आप देखते भी रहते हैं, ये मुझे पक्का पता है। लेकिन मेरे जाने से पहले एक और खबर आपको बतानी थी। अमेरिका के इडालिया में इडालिया तूफान का खतरा बढ़ गया है। फ्लोरिडा में ऐसा हुआ है, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूं, अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखिए ये तस्वीरें और कल रात 9 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात।